भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भिलाई नगर विधानसभा का मस्जिद रोड एनवीएन तेलुगु स्कूल के पास कुर्सीपार में प्रेम प्रकाश पांडे विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन व महेश वर्मा भाजपा जिलाध्यक्ष साधी प्रीतपाल बेलचंदन व राजू अग्रवाल के कर कमलों से किया गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय भिलाई नगर विधानसभा का मस्जिद रोड स्थित एनवीएनएलयू तेलुगु स्कूल के पास कुर्सीपार में माननीय प्रेम प्रकाश पांडे के आतिथ्य में इसका उद्घाटन किया गया। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष महेश वर्मा, प्रीतपाल बेलचंदन, राजीव अग्रवाल शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कार्यालय का उद्घाटन शंखनाद है। भिलाई दुर्ग के विकास कार्यों की बात करें तो जब जब भाजपा की सरकार आई है विकास ही विकास हुआ है। जो आप फ्लाई ओवर ब्रिज हो या केनाल रोड, ये सब भाजपा के शासन में हुआ है। भिलाई विधानसभा का चुनाव में थोड़े अंतराल से पीछे रहे, हमें उसका बदला लेना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और भिलाई विधानसभा से 75,000 से लीड देकर विजय बघेल जी को सांसद बनाना है। मोदी जी जो कहते हैं वे करते हैं। मोदी की गारंटी के रूप में महतारी वंदन योजना की राशि डाली गई है और आज किसानों के खातों में अंतराल की राशि डाली गई। वही राजीव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू करने की अधिसूचना जारी कर जनता से किए एक और बड़ा वादे को पूरा किया है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, फारसी, जैन, बौद्ध को नागरिकता देकर सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए मोदी सरकार है। वहीं भिलाई जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि भाजपा इस मोड़ पर आ गई है जहां हम सभी को जोर शोर से कार्य करना है, विजय बघेल जी को विजय श्री का पताका लहराना है और फिर से सांसद बनाकर मोदी जी के पास दुर्ग लोकसभा की बात जनता के हित में बताने के लिए भेजना है। अलग अलग वक्ताओं ने सभा को बारी बारी से संबोधित किया। देखिए, जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और यहाँ से सांसद के रूप में विजय बघेल को दूसरी बार। और पूरा पिछली बार जब विपरीत परिस्थितियां थी तब हम लोगों ने लगभग 4 लाख वोट से इस लोकसभा को जीता था, इस विधानसभा को 36,000 से जीता था। इस बार हम लोग उससे ज्यादा वोट से जीतने का संकल्प लिए हैं। पार्टी ने एक लक्ष्य दिया है कि प्रत्येक बूथ को 370 वोट से जीतने का एक लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है। तो मुझको लगता है कि पार्टी ने जो लक्ष्य दिया है कार्यकर्ता उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तैयार है और आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, धीरे धीरे सारे काम जो है सुचारू रूप से। इस मौके पर राजीव अग्रवाल, सह प्रभारी लोकसभा क्षेत्र प्रीतपाल बेलचंदन, सह संयोजक लोकसभा क्षेत्र दुर्ग प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन महेश वर्मा, अध्यक्ष भाजपा जिला भिलाई वीरेंद्र साहू, पूर्व अध्यक्ष भाजपा व प्रदेश कार्य समिति सदस्य शीर्ष अग्रवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रेमलाल साहू, महामंत्री भाजपा जिला भिलाई विजेंद्र सिंह, महामंत्री भाजपा जिला भिलाई सहित मंडल के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता अत्यधिक संख्या में शामिल रहे। इसी न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।